हेलो बच्चों, तो आज हम आए हैं SHM का एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर लेकर, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर लेकर, और वो है ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। अगर ये कोई सिलेंडर है या कोई बॉडी है और फ्लूइड में वो फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, और इस सिलेंडर को मैं ऐसे पुश कर दूं, टुकुक टुकुक टुकुक, तो क्या होगा? पुश करोगे, अंदर जाएगा, फिर बाहर जूम 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 ऑसिलेशंस करेगा, और ये ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होंगे। इस बात को हम प्रूफ करेंगे और इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, और उसके पहले ये बताएंगे कि किसी भी SHM का टाइम पीरियड कैसे निकालें, जो कि अब तक शायद आप सीख चुके हों। तो कॉपी और पेन निकाल लें, एक छोटा सा डेरिवेशन और कुछ कंसेप्ट्स, और इसको एक क्वेश्चन की तरह भी आप ले सकते हो कि SHM का एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम है अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, शाम के बज रहे हैं 5 और पढ़ने जा रहे हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। इसका टाइम पीरियड आएगा 2π अंडर रूट एल बाई जी, और ध्यान देना यहां पे एल सिलेंडर की लेंथ नहीं है, सिलेंडर की वो लेंथ है जो फ्लूइड के अंदर थी जब सिलेंडर इक्विलिब्रियम में था। अभी समझाएंगे सब। 2π अंडर रूट एल बाई जी, 2π अंडर रूट एल बाई जी, एल वो लेंथ है सिलेंडर की जो फ्लूइड के अंदर थी जब सिलेंडर इक्विलिब्रियम। बच्चों, किसी भी SHM का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, स्टेप्स थी, मैं आपको जल्दी से एक बार याद दिलाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। शायद कई लोग को अभी आ चुका है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। हम फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जहां बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली, बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली, एक्स डिस्प्लेस किया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अंदर, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, क्या अब नेट फोर्स 0 होगी? नहीं साहब, अब नेट फोर्स अपवर्ड। तो डिस्प्लेस करो स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड फाइंड नेट फोर्स। फिर मैथ्स लगाकर ठीक है, मैथ्स का यूज करते हुए ये नेट फोर्स प्रूव करो कि इक्वल है माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स, माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ये कुछ वैल्यू हो सकती है, कोई भी चीज आ सकती है, ये माइनस समथिंग इनटू एक्स आना चाहिए। ये प्रूफ करते ही ये साबित हो जाएगा कि इसका ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक इन नेचर है। ये प्रूव हो जाएगा कि ये SHM कर रहा। जब एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूफ कर लें, तो किसी भी SHM का टाइम पीरियड 2π अंडर रूट एम बाई के, जहां पे m बॉडी का मास और k वो वैल्यू जो यहां पर दिख रही हो, यहां कुछ भी दिख सकता है, है ना, यहां पे r दिख सकता है, यहां पे y दिख सकता है, यहां पे 24r² कुछ भी मिल सकता है, यहां पे जो भी ये वैल्यू आ रही है उसको यहां पे पुट करना है। तो 3 स्टेप है किसी भी SHM का टाइम पीरियड निकालने के लिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करो जहां पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, फिर बॉडी को इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करो, एक्स डिस्प्लेस किया, और फिर नई नेट फोर्स निकालो और किसी तरह से प्रूफ करो कि वो नेट फोर्स माइनस के एक्स के बराबर हो। फिर टाइम पीरियड होगा 2π अंडर रूट एम बाई के, से किसी भी SHM का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो आइए इस SHM का टाइम पीरियड निकालें, 2π अंडर रूट एम बाई के। तो हमें एक सिलेंडर दे रखा है जिसका हाइट h है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, जिसका मास m है, और जिसकी l लेंथ फ्लूइड के अंदर है, जिस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, और इस सिचुएशन में ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। यहां पे इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होंगी, एक इस सिलेंडर का वेट mg
और एक इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट, इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट। हम ये भी कह सकते हैं ये सिलेंडर यहां पे फ्लोट कर रहा है। जब कोई बॉडी फ्लोट करती है तो वो इक्विलिब्रियम में मानी जाती है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो। तो इस टाइम अपथ्रस्ट और एमजी बराबर होंगे और बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एमजी? हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एमजी। दिखाई पड़ रहा है ये हिस्सा बोर्ड का? बच्चों अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी रो जी, वी रो जी। जरा मैं कैमरे में देखूं, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? बोर्ड की सेटिंग सही से हो रखी है? थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, प्यार से थोड़ा सा नीचे किया। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वी रो जी। प्यारे बच्चों वी क्या होता है? वी बॉडी का वॉल्यूम नहीं होता, वी होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ? मेरे ख्याल से तो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। ध्यान से देखें, क्या इतना ही फ्लूइड यहां से हटा है? फ्लूइड डिस्प्लेस यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस रखो यहां पे, या वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड रखो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड। तो ये वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। ये एरिया है ए, हाइट है एल, तो वी हो जाएगा ए इंटू एल। तो अपथ्रस्ट की जगह ए एल रो जी इज इक्वल्स टू एम जी। बोलिए समझ में आया? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने बोला ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, एक फोर्स है एम जी, एक फोर्स है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला वी रो जी। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ जितना बॉडी अंदर आया, ये वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी। अभी जी जी कैंसिल मत करना, ऐसे ही छोड़ दो। अब ये तो पहली स्टेप हुआ, बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाए वगैरह वगैरह। स्टेप टू क्या था? डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब इसको हम यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेस अपवर्ड भी कर सकते हो, डाउनवर्ड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, मैं यहां से इसको थोड़ा सा अंदर ले आता हूं, एक्स डिस्टेंस अंदर ले आया। ए मान लो यहां पहुंच गया सिलेंडर, ये सिलेंडर पहले एल अंदर था, अब और अंदर आ गया। मान लो अब सिलेंडर, पहले सिलेंडर एल अंदर था, अब मान लो इसको एक्स और अंदर ले आए, तो टोटल ये कितना अंदर आ गया? टोटल ये आ गया एल प्लस एक्स अंदर। मैंने डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम मीन पोजीशन, मैंने यहां से यहां तक इसको और अंदर डाला, एक्स डेप्थ अंदर डाला। स्टेप टू यही थी। फिर क्या था? फाइंड नेट फोर्स ऑन बॉडी। क्या अब इस पे नेट फोर्स जीरो होगा? बिल्कुल नहीं। अंदर डालोगे, वॉल्यूम ये बढ़ गया, अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ गई, एमजी से ज्यादा हो गई, नेट फोर्स अपवर्ड। तो इस पे इस टाइम जो फोर्सेस लगेंगी वो होगा इसका वेट एमजी और होगा अपथ्रस्ट यू, और नेट फोर्स इस टाइम क्या होगी? नेट फोर्स होगी अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, एमजी कम। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स विल बी अपथ्रस्ट माइनस एमजी। अभी वैल्यू निकालना हो पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचना, अभी समझाऊंगा। नेट फोर्स अपथ्रस्ट माइनस एमजी। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला वी रो जी, चलो इसको वी डैश बोल देते हैं, वॉल्यूम चेंज हो गया ना इस बार, माइनस एमजी। इस बार कितना वॉल्यूम अंदर है? ये वॉल्यूम कितना होगा? ए इंटू एल प्लस एक्स। यहां लिख लूं इस तरफ, एफ नेट इज इक्वल्स टू वी डैश की जगह ए इंटू एल प्लस एक्स रो जी माइनस एम जी। बोलो ठीक है? वी डैश की जगह ए इंटू एल प्लस एक्स इंटू रो जी माइनस एम जी। यहां से ही बन जाएगा ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, ए एल रो जी एम जी के बराबर है, यानी ये और ये कैंसिल, सो नेट फोर्स इज ए
x rho g. नेट फोर्स इज ए एक्स रो जी. हमें प्रूफ करना था कि नेट फोर्स जो आ रही है, वो माइनस के एक्स के फॉर्म में हो. जरा ध्यान दो, जब तुमने डिस्प्लेसमेंट एक्स नीचे की तरफ लिया, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आई. अब थ्रस्ट बढ़ाना, यानी x जब नीचे है तो फोर्स ऊपर है, तो क्या मैं यहां माइनस लगा सकता हूं? बिल्कुल. अगर x नीचे है तो फोर्स ऊपर, तो वेक्टर में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. क्या इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं इस टर्म को, a रो g इंटू एक्स? अब ध्यान से देखो, क्या ये इसके सिमिलर हो गया है? f नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. यानी हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो इसके ऑसिलेशंस होंगे वो सिंपल हार्मोनिक इन नेचर होंगे. देखो, यहां से ये ऊपर आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, पर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास अब कुछ स्पीड आ गई है. उस स्पीड की वजह से थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा यहां से, फिर उसकी स्पीड जीरो होगी, फिर नीचे जुम 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 एस एच एम करेगा, है ना. यहां से ऊपर जाएगा वापस, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है. यहां आके नेट फोर्स जीरो होगा, पर यहां कुछ स्पीड गेन कर चुका है जिसकी वजह से और ऊपर जाएगा, फिर स्पीड जीरो होगी, फिर ये. अब एसएचएम का टाइम पीरियड हमने देखा था 2π अंडर रूट m by k. तो बच्चों यहां k की वैल्यू है a रो g, तो t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट m की जगह, यहां से देखो m की जगह a l रो, m की जगह a एल रो, और के की जगह ए रो जी. एरो कैंसिल, 2π अंडर रूट एल बाय जी, 2π अंडर रूट एल बाय जी. दिख रहा है, एम की जगह ए एल रो, जी जी कैंसिल हो गया, एम की जगह ए एल रो, और के की जगह ए रो जी. एरो कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल बाई जी. ये होगा टाइम पीरियड, काफी कुछ पेंडुलम जैसा दिखता हुआ टाइम पीरियड, 2π अंडर रूट एल बाई जी. ध्यान आपको रखना है कि ये एल क्या है. ये एल है वो लेंथ सिलेंडर की जो फ्लूइड में डूबी थी जब सिलेंडर इक्विलिब्रियम में था, आपने पेंडुलम में देखा यही टाइम पीरियड आया, आपने देखा ऑसिलेशंस ऑफ अ लिक्विड इन अ यूट्यूब में भी एल आया था, वहां एल था इनिशियल लेंथ ऑफ लिक्विड, और यहां पे भी एल आया, यहां पे एल है द लेंथ ऑफ सिलेंडर इनसाइड द फ्लूइड व्हेन सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये छोटा सा लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं. एक क्वेश्चन की तरह भी मैंने कहा था इसको ट्रीट करना है. अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एसएचएम पे आएगा, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, जिसपे 2011 आईटी में सवाल आया हुआ है. पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.